हेलो फ्रेंड्स, पीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सेंटेंस एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर केस फॉर्मेट, अपर केस फॉर्मेट एंड थर्ड वन इज लोअर केस फॉर्मेट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर केस फॉर्मेट की। प्रॉपर केस फॉर्मेट में हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसके सारे जो वर्ड्स होते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में हो जाता है, बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे प्रॉपर केस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, जैसा कि हम इक्वल बटन प्रेस करते हैं, प्रॉपर फंक्शन को कॉल करते हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारा टारगेट सेल है उसको सब सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करते ही जो भी हमारा टारगेट सेल है उसके कुछ जो अल्फ़ाबेट हैं कैपिटल हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स में हैं, वो सारे प्रॉपर केस फॉर्मेट में चेंज हो गए हैं। अगर इस फॉर्मूला को हम सारे रोज में अगर अप्लाई करना है तो हमको ड्रैग ड्रॉप कॉपी एंड पेस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं जो भी हमारा इस पर्टिकुलर रो के जो कंटेंट्स हैं वो प्रॉपर केस फॉर्मेट में चेंज हो चुके हैं। दूसरा हमारा केस फॉर्मेट होता है वो अपर केस फॉर्मेट होता है। अपर केस फॉर्मेट का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस के सारे जो लेटर्स हैं वो अपर केस यानी कैपिटल लेटर में हो जाएं। अपर केस फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हमें इक्वल टू का बटन प्रेस करना होता है, देन अपर फंक्शन को कॉल करना होता है, ब्रैकेट स्टार्ट और टारगेट सेल को सेलेक्ट करना होता है, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा टारगेट सेल की वैल्यू है वो अपर केस फॉर्मेट में चेंज हो गया, उसके सारे लेटर्स अपर केस में चेंज हो गए हैं। अगर इसको फॉर्मूले को हमें कॉपी करना है तो ड्रैग ड्रॉप एंड कॉपी पेस्ट करना है। तीसरा और आखिरी जो हमारा केस फॉर्मेट होता है वो लोअर केस फॉर्मेट होता है। लोअर केस फॉर्मेट में किसी भी टारगेट सेल के जो भी वैल्यू होते हैं वो सारे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाते हैं। लोअर केस फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हमको इक्वल टू का बटन, लोअर फंक्शन को कॉल करना होता है, ब्रैकेट स्टार्ट और टारगेट सेल को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद और जैसे ही हम एंटर करते हैं इस टारगेट सेल के सारे वैल्यूज जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में चेंज हो गए हैं। अगर इसको हमें सारे रोज पे अप्लाई करना है तो ड्रैग ड्रॉप कॉपी पेस्ट। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का वो क्विक इजली डन हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।